देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। ऑस्ट्रेलिया के जंगल भयावह आग और तबाही का सामना कर रहे हैं। इस भीषण आग में जान और माल का भारी नुकसान हुआ है। रिकॉर्ड तोड़ने वाला तापमान और महीनों का सूखा पूरे ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में लगी आग का कारण बना हुआ है और अब यही आग देश में प्रदूषण का स्तर भी काफी बढ़ा रही है। इस बीच दो अच्छी तस्वीरें भी आई है, हम आपको दिखा दें। पहली तस्वीर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों की है, जबकि दूसरी तस्वीर सिडनी की, जहां एल्विस फेस्टिवल की रौनक देखते ही बनती है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग ने यहां के लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन उनके हौसले कमजोर नहीं हुए। दमकल कर्मियों के साथ साथ वॉलंटियर्स और आम लोग भी इस आग से प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं। बुधवार को ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान टिम पेन और स्पिनर नाथन लायन आग से प्रभावित जगहों का दौरा करके न्यू साउथ वेल्स पहुंचे और इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद फायर फाइटर से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान दोनों खिलाड़ियों ने आग से पीड़ित लोगों से भी मुलाकात की। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम आग से प्रभावित लोगों की मदद के लिए फंड भी जुटा रही है। जंगल में लगी आग की वजह से सिडनी में भी प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। इसके बावजूद वहां एल्विस फेस्टिवल की रौनक कम नहीं हुई। लोग बढ़ चढ़ कर इस उत्सव का आनंद उठा रहे हैं, इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में लोग अनोखी पोशाक, संगीत और डांस की मस्ती में खुद को सराबोर करते हुए नजर आए। हर साल सिडनी में ये शानदार उत्सव होता है, लेकिन जंगलों में लगी आग की वजह से इस बार उत्सव को लेकर लोगों में थोड़ी निराशा जरूर देखी गई।